प्रदर्शन। हाँ जी, आज का जो आप सड़क जी, आज हमने मुख्य रूप से चार विषयों के ऊपर यहाँ राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन किया है। मैं कृतिका खत्री सनातन संस्था से। राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया। इसमें मुख्य रूप से चार विषय थे। पहला विषय था कि आज दूध में जो मिलावट होती है, बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, पानी की मिलावट होती है, और जिस कारण से आज जो दूध लिया जा रहा है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता जा रहा है। तो इसके लिए प्रयोगशालाएं बनाई जानी चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स किए जाने चाहिए, और जो भी मिलावट है दूध में वो ढूंढ कर कहाँ कहाँ पर ये हो रहा है उसको रोकने के लिए कठोर कानून बनाया जाना चाहिए, इसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये एक मांग थी। दूसरी मांग है कि आज पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो पेट्रोल या डीजल हम लेते हैं उसमें भी मिलावट होती है, वो उतना थिक भी नहीं होता है, और कितना डाला जाता है यानी पूरा पेट्रोल हमें पैसा जितना हम देते हैं उसके हिसाब से मिलता है या नहीं, ये भी हमें पता नहीं चलता है। तो इस दृष्टि से जो ट्रांसपेरेंट नलियां हैं उनका निर्माण किया जाना चाहिए, जो पाइप्स जिससे पेट्रोल और डीजल दिया जाता है वो ट्रांसपेरेंट हो, ताकि ग्राहक को पता चले कि मुझे कितना पेट्रोल मिला या डीजल मिला। इस प्रकार की एक मांग की गई। तीसरी मांग है कि आज हम देखते हैं पॉर्न वेबसाइट्स जो हैं वो खुलेआम भारत में चल रही हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन फिर भी पॉर्न वेबसाइट्स चल रही हैं, वेब सीरीज़ चल रही हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हिंसा दिखाई जाती है और पोर्नोग्राफी भी दिखाई जाती है। तो इसका परिणाम जो है वो बच्चों पर और युवाओं पर बहुत विपरीत हो रहा है, और बहुत सारे बलात्कार के केसेस में ये पाया जाता है कि पॉर्न वेबसाइट्स देखकर ही वो बलात्कार करने के लिए प्रेरित हुए थे लोग। तो इस प्रकार की बातें भी आज देश में सामने आ रही हैं, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि आज महिलाओं के विरुद्ध होने वाले जो अपराध हैं उनका प्रमाण भी बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए देश के युवा पीढ़ी को एक सही पथ पर लेकर जाएं, इस दृष्टिकोण से इसका इसे भी रोकना चाहिए। चौथी जो मांग यहाँ पर की गई वो ये थी कि आज पाकिस्तान के फेवर में बहुत ज़्यादा नारे लगाए जा रहे हैं, आईएस जो है उसके फेवर में नारे इस देश में लगाए जा रहे हैं, और पूरे भारत भर के अनेक स्थानों से ऐसे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त युवा पाए जा रहे हैं, और उनको यूं ही केवल समझाइश करके छोड़ दिया जा रहा है। तो उनके विरुद्ध भी कानून बनाया जाना चाहिए, और केवल समझा कर उन्हें छोड़ नहीं देना चाहिए। अगर कोई भी आईएस के फेवर में नारे लगाता है या फिर आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि अगर एक युवा भी इसमें पाया गया तो उसके विरुद्ध इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि दोबारा किसी की इस प्रकार की हरकत करने की हिम्मत ना हो। तो ये चार मांगे यहाँ पर की गई। मैम, फोन साइट पर आपने बात करी है जी, तो देखा गया है कि जितनी भी मोबाइल कंपनी है जी उस पर बैन लगा दिया है जी, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, बहुत सी जी। क्या वजह रही कि अभी भी जो है साइटों पर भी चल रही है? देखिए, पूरी तरह से बैन अभी भी नहीं है आजकल, ठीक है, ऊपर से ऐसे हमें लगता है कि बैन लगा दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक्स आज अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से पोर्नोग्राफी चल रही है या फिर अश्लीलता जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चल रही है। आज आप एडवर्टाइजमेंट्स में देखिए कितनी अश्लीलता है, हर जगह पर एक महिला को एक प्रोडक्ट की तरह से दिखा दिया जाता है और उसको एक अश्लील प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो महिला जो है वो इस दृष्टि से तो नहीं है ना, तो वो तो रोकना ही चाहिए। बिल्कुल अवश्य बैन कर देनी चाहिए, क्योंकि आज हम दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली को तो रेप कैपिटल बोला जाता है, और रेप्स की आज सबसे बड़ी वजह जो है वो ये पॉर्न वेबसाइट से हैं, तो इसको बैन करना चाहिए। क्या कहेंगे और कोई मुद्दे जिसको लेकर आप अगर डिमांड अगर नहीं मान जाती तो क्या अगला स्टेप, क्या रणनीति रहेगी? अगला स्टेप यही रहेगा कि हम ये आंदोलन का स्वरूप और तीव्र करने वाले हैं, घर घर तक जाकर समाज के लोगों को जागरूक करके प्रशासन के ऊपर पूरा हम मांग करेंगे कि इस प्रकार की कार्रवाई की जाए, कठोर कानून बनाया जाए और पूरे भारत में इसको लागू किया जाए, क्योंकि ये अभी के समय में ये बहुत आवश्यकता है इसकी। तो इस दृष्टि से हमारा यह प्रयास रहेगा, और ये फिर केवल जंतर मंतर पर नहीं दिल्ली के, तो पूरे भारत देश में इस प्रकार के आंदोलन हम कर रहे हैं, हर जिले में ये किया जा रहा है, हर राज्य में हम ये करने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर नहीं मांग मानी जाती तो और इसका स्वरूप तीव्र करने का हमारा प्रयास रहेगा। भारत माता की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, महाराणा प्रताप की जय।